अज जी माणयोग डीसी साहब के हुक्म के नाल जी किशन साहब के हुक्म के नाल जी शहर के जिन्हें भी बेसहारा गौधन है उन्होंने फड़ के वक् वक् गौशाला के पहुँचाया जाऊगा जी। सुबह तड़के 5:30 बजे की टीम लगी है जी, 35-40 पशु जिहड़े फड़ लिया जी, 2 गड्डियां भर के भेज दी जी। पहली गड्डी गोबिंद गौशाला जिहड़ा एक बाईपास से जी नगर निगम की गौशाला है वो भेजे गए है जी, दूजी गड्डी भी उधर ही गई है जी। बेनती करते सारे गौशाला कि तेर मेर ना करो कि असं गऊं नहीं रखनिया ढट्ठे नहीं रखने, सारे पशु एक बार फड़ लगे सारा हल हो जूगा जी। हरेक चीज़ का नगर निगम मदद कर तैयार है, ठीक है ना जी, समय समय सर पैसे दे जाते हैं। साढ़े तो जिन्नी भी संस्था को बेनती है भी जो बेसहारा गौधन है उन्होंने फड़ के गौशाला च रखा जाए ता जो जो रोज़ हादसे होंगे है कि इंसानी कीमती जाना चलिया जाए उन्हों तो बचा जा सके, जो बेसहारा गौधन है इन्होंने गौशाला के रख के इन्हों की सामभ संभाल की जा सके। ये टीम किन्ने दिन काम करनगियां जी? ये सर 13 तरीक अज 13 तरीक तो लैके 20 तरीक तक जाने 7 दिन उम्मीद है जिन्हें भी पशु है शहर के फड़ के उन्होंने गौशाला के रखा जाऊ। मोगा शहर में काफ़ी समस्या बच्चों बड़ियां स्त्रियों जे आवारा पशु ने उन्होंने बारे आ रही थी। पिछे पुलिस के मुलाजम भी कोई फट्टड़ भी होए कोई शहीद भी हो गए तो बच्चे स्कूल जाते हैं सो पशु जड़े ने लोग सड़कों पर छड़ देंगे ने, तो इस तहत एक टीम असी 4 टीम बनाई हैं और नगर निगम के नाल रल के और सारे ही बड़े मैं बड़ी खुशी है कि मोगा शहर में बड़े ही भावुक लोग ने और एक कॉल से सारे इकट्ठे हुए हैं। असी 4 नाके लगाए ने, एक अकाल रोड से है, एक असी मैं बुकन वाले खड़ा है और एक असी 4 थावां से जिते गौशाला जानी है उत्थे पशु उत्थे असी लैके जावांगे ता जो तकरीबन जे असी 1000 के करीब मनीए मोगा शहर में तो 1000 पशु असी 7 दिन मुहिम चलानी है। अज 13 तरीक असी शुरू किया सवेरे 7 बजे ने तो असी अपना ता जो मोगा शहर साफ हो जाए, किसी बच्चे नू कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम आवे कोई असी घटना ना कर सके। तो अपना टीम असी देखो काउ कैचर एक पटियाले तो मंगवाई है, काउ कैचर एक जलंधरों में मंगवाई है, एक बठिंडे मंगवाई है, एक नगर। सर हुण तक किन्ने पशु पकड़े ने? हाँ जी हुण तक किन्ने पशु स्टार्ट होया जी? अज तक पहला दिन 30 हो गए। मैं सारे लगाए ने, अपने अफसर भी ड्यूटी लगाए ने, नगर निगम के बंदे लगे ने, इधरों समाज सेवी संस्थियां NGO सारे इकट्ठे होकर आए ने। सो एक साझा उपराला, एक तो यह जंग है क्योंकि अपना जब घर तो अपना सेफ है, जो अपना बाहर आने हैं तो बाहर पशु का कोई पता नहीं लगता कोई अटैक कर देता है, तो इस तरीके नाल अपना शहर अपना अपना समझिए अपना घर समझिए ता जो अपना एक बार सारा जरा शहर है जो भी हमारा पशु है वो अपना किशनपुरा कलां उत्थे लै जाइए, बुकन वाला लै जाइए, अलग अलग गौशाला रखी हैं और उन्होंने असी पट्ठे भी देवे सेवा भी दे रहे हैं, 32 रुपये के हिसाब से डाइट मनी भी दी जाएगी। सो एक तरीके नाल सिस्टम तरीके नाल चलिए ता जो सरबत का भला हो सके। कि सर को निजी गौशाला सहयोग मिले इस बारे? देखो जी निजी गौशाला जिहड़ियां ने उन्होंने भी सहयोग दिता है क्योंकि उन्होंने कोल ऑलरेडी गौ धन काफ़ी है, तो इस तरीके नाल असी जिहड़ियां बाहरलियां जिहड़ियां गौशाला जिहड़ियां खाली पईयां ने जां घट ने तो वह लै रहे हैं। देखो देखी ये तो सहयोग है, ये तो है नहीं कि जी असी रखना नहीं। सो ये सारे नाल प्यार सत्कार नाल जिला प्रशासन के तौर पर मैं अपील करदा कि जिदे जिदे कोल भी गौशाला तुसीं इन्ना वधिया काम कर रहे हो उत्थे आपां अपना गौधन नूं सेवा कर सकीए, बाहर ना कढ़ीए गौधन, आपां गौधन नूं पूजा करदे तो उन्हां दी सेवा आपां करिए, उन्हां नूं बाहर सड़कां ते